जो कहता है डायबिटीज ठीक नहीं होती उसे भुला दीजिए और डायबिटीज के डर को अपने दिल से भगा दीजिए, क्योंकि हम देने वाले हैं डायबिटीज के ऊपर प्रॉपर नॉलेज। और आप विश्वास मानिए, हम आपका डायबिटीज रोग रिवर्स करके ही मानेंगे, ठीक करके ही मानेंगे। तो क्या आप अपना डायबिटीज रोग ठीक करवाने के लिए तैयार हैं? तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखें जल्दी। मुझे उम्मीद है अभी तक आप यस लिख चुके होंगे। मैं रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पहले से जानते होंगे या नहीं जानते तो अब जान जाएंगे कि डायबिटीज रोग मुख्य रूप से दो तरह का होता है। पहला टाइप 1 डायबिटीज, जो कुछ ही लोगों को यानी 5-10% लोगों को ही होता है, और दूसरा टाइप 2 डायबिटीज, जिसे डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं और ये 90-95% लोगों को होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। तो जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में पैंक्रियास नाम का अंग इंसुलिन या तो बिल्कुल नहीं बनाता या बहुत कम मात्रा में बनाता है, तो उस व्यक्ति के शरीर में शुगर लेवल बढ़ा हुआ ही रहता है और उस व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। पर अगर ये बचपन में हो जाए या किशोर अवस्था यानी 18 साल से पहले पहले हो जाए तो इसे जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। इसमें इंसुलिन बाहर से लेना ही पड़ता है, पर कुछ कुछ केसेस में इंसुलिन छूट भी जाता है। अब जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज क्यों होता है, इसके होने का क्या कारण होता है। तो जब किसी भी व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन बार बार होता है तो उस व्यक्ति के शरीर के अंदर ही अंदर कुछ ऐसे बदलाव होते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर के एक प्रकार के सेल्स दूसरे प्रकार के सेल्स को मारने लगते हैं, यानी कुछ सेल्स उसके पैंक्रियास के बीटा सेल्स को मारने लगते हैं। यह बीटा सेल वही सेल होता है जो इंसुलिन बनाता है। अब जब बीटा सेल नष्ट हो गया तो इंसुलिन नहीं बनेगा, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और उस व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगी। किसी किसी व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज हेरिडिटेरी यानी वंशानुगत भी होती है। ये टाइप 1 डायबिटीज के बारे में था। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, डायबिटीज के बारे में या किसी भी बीमारी के बारे में जानने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम हर बीमारी के सॉल्यूशन के बारे में, जी हां आपने ठीक सुना, वहां हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अब जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। तो इस कंडीशन में पैंक्रियास नाम का अंग इंसुलिन तो बनाता है, पर इंसुलिन इतना सुस्त हो जाता है, इतना आलसी हो जाता है, इतना इनएक्टिव सा हो जाता है कि वो ब्लड में से शुगर को उठाकर या ग्लूकोज को उठाकर सेल्स तक नहीं पहुंचा पाता है। इसे इंसुलिन रेसिस्टेंस की कंडीशन भी कहते हैं, जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, जो आजकल कॉमन भी है। टाइप 2 डायबिटीज में अधिकतर लोग, सभी तो नहीं पर अधिकतर लोग मोटे यानी ओबेस ही होते हैं। अब जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज होती क्यों है। तो इसके होने का मुख्य कारण है सीडेंट्री लाइफस्टाइल यानी शारीरिक मेहनत का अभाव। जब कोई भी व्यक्ति खाता तो भरपूर है पर शारीरिक मेहनत एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं करता या बहुत कम करता है, तो उसके शरीर के सेल्स को शुगर की ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं होती, जिसके कारण शुगर लेवल बढ़ जाता है और उस व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। पर यहाँ राहत की बात यह है कि टाइप 2 डायबिटीज जल्दी से जल्दी रिवर्स हो सकती है, ठीक हो सकती है। अगर आप चाहें तो हम आपकी पूरी तरह सहायता करने के लिए तैयार है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पर हमारा साथ दें, क्योंकि हम बनाएंगे डायबिटीज मुक्त परिवार, बीमारी मुक्त परिवार।